सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनादर लाइव स्ट्रीम। तो इस लाइव स्ट्रीम में गाइज हम काफ़ी सारी जो चीज़ें वो डिस्कस करने वाली है, स्पेशली एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। और सुबह मैंने वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुके हैं, जो पोर्टल्स है वो बस रेडी है, बस अपडेट करना बाकी है, डेट्स डालना बाकी है और एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगी। ऐसा भी जो सीन है वो हमें देखने को मिल रहा है CET के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। ये जो लिंक्स है वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। साथ ही मैंने काफ़ी सारे जो एक्सेल शीट्स है वो निकाल के रखे हैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, फार्मेसी कॉलेजेस की, MBA और MCA कॉलेजेस की। जैसे ये एक्सेल शीट होगी, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस है या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है या फिर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से जो है वो एफिलेटेड है, तो इनकी जो फ़ीस है वो काफ़ी कम होती है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कम फीस वाले कॉलेजेस चाहिए या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए वो इन कॉलेजेस के लिए देख सकते हैं। साथ ही में MBA के लिए भी काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कम परसेंटाइल पर भी क्या आपको कॉलेजेस मिल सकता है और क्या अच्छा कॉलेज मिल सकता है, इसके ऊपर भी हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। साथ ही में प्लेसमेंट्स के ऊपर भी गाइज मैं जो है वो इस लाइव स्ट्रीम में बात करूंगा कि कौन से ब्रांच में अभी हमें ज़्यादा जो प्लेसमेंट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप भी पूछ सकते हो, ट्राई करूंगा जितने भी क्वेश्चंस हो सभी क्वेश्चंस को जो है वो मैं आंसर करूँ। ठीक है, तो रिजल्ट तो लग चुके हैं, अभी कैसा लग रहा है? मतलब अभी तो ब्लैंक हो गए काफ़ी सारे लोग, जिनको मतलब एवरेज मार्क्स होंगे या फिर थोड़े कम होंगे, जिनको अच्छे होंगे वो थोड़े खुश हो रहे होंगे कि नहीं यार अब तो मेरे को CSIT ये ब्रांच वांच मिल जाएगी। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो गाइस, ये पोर्टल है MBA MCA के जो पोर्टल्स है फिलहाल जो है वो अपडेट होना बाकी है, जैसे ही होंगे मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो जो पोर्टल है वो कुछ ऐसा आया है, मतलब अपडेट जो है वो शुरू है। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी जो चीज़ें वो अपडेट हो रही है अभी भी। क्लिक हियर टू कैप पोर्टल, क्लिक हियर टू CET पोर्टल। ठीक है, तो ऐसे दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं आता था। ये देखो, ये एक ऐसा ऑप्शन आ रहा है और ये है फिर एक कैप पोर्टल का ऑप्शन है। ठीक है, आई थिंक सारी जो चीज़ें वो अपडेट हो चुकी है। हाँ भाई देखो, जैसे मैंने बोला था कि पूरा पोर्टल जो है वो अपडेट होगा, देख सकते हो पूरा जो पोर्टल है वो अपडेट हो चुका है, सभी जो ऑप्शंस है वो आ चुके हैं। मैंने आपको बोला था सारे जो ऑप्शंस है भी आप आएंगे। MBA का ऑप्शन आ चुका है, MBA का पोर्टल भी, MBA का पोर्टल अभी तक लिंक होने का बाकी है बट MBA का भी जो ऑप्शन है आ चुका है। MCA का ऑप्शन आ चुका है, MTech, M आर्किटेक्चर। ठीक है, फिर अंडर ग्रेजुएट में BTech, आई थिंक इसका पोर्टल लिंक, इसका भी पोर्टल अभी तक लिंक नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे BE का पोर्टल ये रहेगा इस साल, ये वाला, और जो अभी तक इसको हाइपर लिंक्स वगैरह से लिंक वगैरह नहीं किया है। ठीक है, तो बस पोर्टल रेडी कर दिया है, जो फेस है वो आ चुका है, बॉडी भी जल्दी इसमें जो है आ जाएगी। यहाँ पे अभी भी अपडेट्स वगैरह आना बाकी है, एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें बताया जाएगा कब से प्रोसेस शुरू होगी, बट एक चीज़ है कि पूरी साइट जो है वो अब अपडेट हो चुकी है और यहाँ से सारी जो चीज़ है वो एक्सेस कब कर पाओगे एक ही जगह से, यही ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। लिंक मैं आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में दे भी देता हूँ और आपके जो कमेंट्स है वो भी पढ़ता हूँ। थोड़ा वेट करो, थोड़े नए अपडेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो दो पोर्टल, इंजीनियरिंग फार्मेसी का पोर्टल आ चुका है और जो ऑफिशियल पोर्टल है वो भी अब जो है पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है और यहाँ पे भी ऑप्शंस आ चुके हैं बट अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है सभी पोर्टल्स के साथ, तो जल्दी कनेक्ट भी हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू भी हो जाएगा। हो सकता है एक दो दिन या फिर आज या कल में ही जो है वो शुरू हो जाए, जल्दी होता है बहुत बढ़िया, थोड़ा लेट होता है तो भी बढ़िया ही है। ठीक है, तो ये सारे अपडेट्स हैं। ठीक है, तो मुझे तो अच्छा लगा, जल्दी हो गया भाई इस साल। ठीक है, सो अब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, पहला कमेंट है, सर MCA कॉलेजेस की फ़ीस नहीं दिख रही है कॉलेज वेबसाइट पे। अगर देखो कॉलेज वेबसाइट पे फ़ीस नहीं दिख रही है तो हर कॉलेजेस के पास जो है वो इंक्वायरी नंबर होता है या फिर बहुत सारे कॉलेजेस ने चैटबॉट लगा के रखा है या फिर एक नंबर, नाम, ईमेल ऐसा बॉक्स रहता है जिसमें क्वेरी सबमिट करने का रहता है, नाम, ईमेल वगैरह, वो सबमिट कर दो, आपको उस कॉलेज का जो है वो फ़ोन आएगा और फिर आप डायरेक्टली जो है वो पूछ सकते हो या फिर मेनली तो कॉलेज के स्ट्रक्चर में रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा है, भाई मेरे पास 10 रुपीज़ है अकाउंट में तो मैं एक्सेल शीट कैसे करूँ? बाप रे भाई, देख लो भाई जो भी चाहिए देखो। ठीक है, जितना इधर दिख रहा है उतना स्क्रीन शॉट ले लेना। ठीक है, MCA के कैप प्रोसेस कब चलू होंगे? देखो ऑलमोस्ट सभी जो कैप राउंड प्रोसेस है ऑलमोस्ट सभी साथ में ही शुरू होगी। ठीक है, तो
अभी कभी भी जो अपडेट है वो आ सकता है, ऐसी कंडीशन है, क्योंकि आप देख सकते हो पूरा जो पोर्टल है वो रेडी हो चुका है, बस हाइपर लिंक्स वगैरह ऐड वैड होना बाकी है, और जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस। मैं आपको टाइम पे वैसे जो अपडेट्स है वो दे दूंगा। पहले मैं बोल रहा हूँ कि देखो मैं इस चैनल पर MCA MBA फार्मेसी और इंजीनियरिंग के सारे अपडेट्स आपको दूंगा टाइम टू टाइम, स्टेप बाय स्टेप ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। जैसे एक लिस्ट मैंने बनाई है, ये है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट। महाराष्ट्र में जितने भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड या फिर डिपार्टमेंट वाले कॉलेज है ये आप देख सकते हो। अमरावती रीजन में एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि ऑटोनॉमस है। कॉलेज के नाम अगर ये दिखेगा तो ऑटोनॉमस है, ठीक है, समझ लेना ऐसा। तो गवर्नमेंट अमरावती में ऑटोनॉमस है, औरंगाबाद में गवर्नमेंट ऑटोनॉमस है, चंद्रपुर इतना अच्छा नहीं बोल सकते बट ठीक है, नागपुर पे अच्छा कॉलेज है। कुरुड ये भी देख सकते हो, कराड ऑटोनॉमस है, बढ़िया कॉलेज है। यवतमाल भी ठीक ठाक है, रत्नागिरी देख सकते हो, जलगांव का भी ऑटोनॉमस है, और COEP तो अब जो है वो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है और ऑटोनॉमस कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट है। अगर मिलता है तो भाई आग बंद करके ले लो, ठीक है। और आप इन कॉलेजेस का जो कॉलेज कोड है वो देख सकते हो, कॉलेज कोड डालोगे तो इनका आपको जो कट ऑफ है वो डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट एडेड आप देख सकते हो, VGTI ये गवर्नमेंट एडेड है, मतलब जो गवर्नमेंट है वो उनको फंड्स प्रोवाइड कराती है, ठीक है। सरदार पटेल SPIT SPC ऐसा बोल सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट, बहुत बढ़िया कॉलेज है। फिर SGS नांदेड़ का, नांदेड़ में देख रहे हो तो इसको कंसीडर कर सकते हो, वालचंद कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट है भाई। 30-40 लाख का पैकेज आराम से मिल जाएगा अगर आप बढ़िया स्टूडेंट हो तो। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में अमरावती यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज आता है, LIT आता है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली अच्छा कॉलेज माना जाता है। ICT है जलगांव में, फिर है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट केमिकल टेक्नोलॉजी औरंगाबाद, और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, ये है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट वाले कॉलेज, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी जो फार्मेसी कॉलेजेस है वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी है जो कि इस बार फार्मेसी करना चाहते हैं। तो फार्मेसी की लिस्ट कहाँ गई भाई अपने, फार्मेसी, ठीक है। और मैं अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कॉलेजेस है वो भी डालना शुरू करूँगा कि टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ नागपुर पुणे मुंबई ऐसे वीडियोस, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेरे अभी एग्ज़ाम शुरू थे तो अभी आज जस्ट एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हुआ है, तो जल्दी आपको और भी काफ़ी सारा जो कॉन्टेंट है वो देखने को मिलेगा। फार्मेसी का कट ऑफ मेरे को ओपन करने दो बस, ठीक है। क्या है भाई, पर्सनल काउंसलिंग कैसे लेनी है ब्रो, चार्जेस वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, सब वहाँ पर मेंशन है। फिर है दादा मला 87% मिला तो मला CSIT मिलेगा कि नागपुर में, मिल जाएगा भाई, है कॉलेजेस ऐसे जहाँ पे 87 के आसपास जाता है, ठीक है। ये गाइस फार्मेसी के कट ऑफ, ये एक्सेल शीट आप ले सकते हो जो भी मतलब फार्मेसी करना चाहते हैं या फिर लेने वाले हैं इस बार, क्योंकि इसमें फार्मेसी के महाराष्ट्र के सभी कॉलेजेस हैं। इंजीनियरिंग की लिस्ट इस साल मैं नहीं बना पाया क्योंकि यार बहुत बड़ा कंटेंट रहता है इंजीनियरिंग का, तो इसलिए नहीं, बट ट्राई करूँगा अगले साल बनाऊँ, बट इस साल नहीं हो पाया। तब भी मैं ट्राई करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ लिस्ट बना दूँ और आपको दे दूँ, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैंने मेरे लिंक पे बायो पे जाओगे तो वहाँ पे एक लिंक ट्री मिलेगी, वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग के मुंबई पुणे और नागपुर के जो उस कट ऑफ्स है वो डाल के रखे हैं, तो जाके वहाँ से आप जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, वो देख सकते हो। 95% में MCA के अच्छे कॉलेजेस सजेस्ट कर दो भाई, परसेंटेज वन ऑफ बहुत बढ़िया है, मतलब 95 फॉर MCA इज़ गुड, ठीक है। पहला नाम VGTI का डाल देना, लगे नहीं लगे कोई टेंशन नहीं, बट पहला नाम VGTI का डालना ताकि ऑटो फ्रीज ना हो, ठीक है। फिर भारतीय विद्यापीठ सरदार पटेल भी बेस्ट कॉलेज है, ठीक है, 95 है, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ तक कॉलेज आप डाल सकते हो, ठीक है, जो भी लगा बहुत बढ़िया है, ठीक है। बस आपका जो प्रेफरेंस है वो कैसा देना है वो दे सकते हो। SIES भी बढ़िया है भाई, ठीक है। तो इतने कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली, आप इसका जो अगर कैटेगरी होगी तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ चेक कर लो, पता चल जाएगा, क्योंकि ये ओपन के कट ऑफ है वो भी फर्स्ट राउंड की, इसलिए थोड़े हाई है। अगर कैप राउंड 2 के कैटेगरी वाइज कट ऑफ चेक करोगे तो आपको कम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 93 COEP मिलेगा क्या MCA के लिए, COEP नहीं, MCA COEP में है नहीं भैया, देखना पड़ेगा इस बार टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनी तो ऐड वगैरह हुआ है या नहीं, बट इसके पहले तो नहीं था, इस साल हुआ है तो देखता हूँ मैं। कैन आई गेट ऑन CMAT स्कोर, CMAT का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। 90.77 MBA के लिए कॉलेज, भाई काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये लिस्ट में आप देख सकते हो। बट देखो अगर आपको टॉप 20 MBA कॉलेजेस मिलते तो बहुत बढ़िया होगा, जितना बोलते हैं, जैसा मुझे सुनने में आया है कि अगर टॉप 20 25 मिलते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपके सामने लिस्ट है,
हेलो भाई हरीश भाई, कैसे हो? 98% EWS महाराष्ट्रीय। हाँ भाई, मिल जाएगा। 98 इज़ अ गुड परसेंटाइल भाई, CSIT आराम से मिल जाएगा। बस वही कि कॉलेज कौन सा मिलेगा उसका थोड़ा ये रहेगा। इसके अलावा नागपुर के कॉलेजेस की भी लिस्ट मैंने बनाई है, बस वीडियो बनाना बाकी है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये नागपुर के कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, जैसे रामदेव, जो मतलब हाईलाइटेड है, वो बढ़िया कॉलेजेस है, समझ लेना। रामदेव बाबा, यशवंत राव चौहान, GS राय सुनी, विंसेंट पलोटी, ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। और ऑटोनॉमस भी है, ठीक है। LIT भी बढ़िया है, गवर्नमेंट नागपुर भी बढ़िया है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी लिस्ट मैंने बनाई है, बस वही कि उनका वीडियो बनाना बाकी है। और अगर पेपर नहीं होते तो ये सब कंटेंट आ भी जाता, बट थोड़ा टाइम लगेगा अभी। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। MGSPPU एट 99.61 मिलेगा क्या? मिल जाएगा भाई। बी फार्मेसी डायरेक्ट सेकेंड ईयर के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे? देखो, सारे जो एडमिशन्स हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलली स्टार्ट होंगे, बट अभी डायरेक्ट सेकेंड ईयर का कुछ सीन शुरू है, उनके एग्जामिनेशन का, री एग्जामिनेशन वगैरह। बट डायरेक्ट सेकेंड ईयर एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी दोनों के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ चुके हैं। जैसी प्रोसेस स्टार्ट होती है, डिटेल में सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएगी। KD के कॉलेज भी ठीक है, बट टॉप 5 में तो नहीं आता है, बट ठीक है, अगर आपको कम परसेंटाइल है थोड़े वो ले सकते हो। उधर CSIT मिलता है तो बढ़िया ऑप्शन रह सकता है आपके लिए। सर, आई कम्प्लीट माई डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड नाउ आई वॉन्ट टू कम्प्लीट बी फार्मेसी थ्रू CET माई स्कोर इज 80, क्या एडमिशन? हाँ भाई, ले सकते हो। सर, कैन वी फेल बियॉन्ड अवर परसेंटाइल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बियॉन्ड ही भरो मतलब। बट ये कि याद रखना, सपोज मुझे 90% मिले हैं MBA में, ठीक है, और मुझे कॉलेजेस की लिस्ट बनाना है, तो मैं 90 पहला ऑप्शन ऐसा नहीं डालूंगा जिसको 90% पे कट ऑफ क्लोज हो रहा है, ठीक है। मैं डालूंगा जिसका 95 के आसपास जा रहा हो, ठीक है, क्योंकि मैं ट्राई तो करूंगा कि मिल जाए भाई, मिला तो ठीक, नहीं तो मैं ऐसे कट ऑफ डालूंगा हायर से लोअर, ठीक है। 94 से शुरू करूंगा और एंड करूंगा मैं 89 या फिर 88 के आसपास, ताकि मुझे फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई जो कॉलेज है वो तो लग जाए, ठीक है। तो ऐसे कॉलेजेस भी डालो जिनका कट ऑफ आपके ऊपर है, जिनका आपके आसपास है, और एक दो कॉलेजेस सबसे नीचे ऐसे डालना जिनका कट ऑफ आपके कट ऑफ से थोड़ा कम है, ठीक है, ताकि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाए। क्योंकि इस साल के कट ऑफ ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट कंफर्म नहीं बता सकते, वो फर्स्ट राउंड के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। फिर MBA का बता दो 83 के लिए। देखो भाई, लिस्ट आपके सामने, MBA के लिए सर 31 आए हैं सिर्फ मेरे, भाई काफ़ी कम है फिर तो। ब्रो, 90.55 MCA पिंपरी चिंचवड़ मिलेगा क्या? अब डिपेंड करता है भाई आपका कैटेगरी कौन सा है, ठीक है, क्योंकि पिंपरी चिंचवड़ का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाता है, ठीक है। मतलब ओपन का 94 है, सेकेंड राउंड में थोड़ा कम जा सकता है, तो प्रॉबेबिलिटी तो है भाई, ठीक है, कि मिल सकता है। बस अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो सही से भरना, ठीक है, ताकि आपको प्रॉबेबिलिटी रहे एक तो ये मिले, या फिर इसके नीचे के एक दो दिन जो भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट, ये भी बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। रामदेव बाबा भी अच्छा है, मतलब अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं भाई आपको, ठीक है, 90% में। बस एक चीज़ रहेगी कि आपको फॉर्म सही से भरना पड़ेगा, ठीक है। सर, एनी गुड MBA कॉलेज फॉर 62? भाई गुड ही मिलेगा, मतलब एवरेज सा, ठीक है, क्योंकि टॉप 10 टॉप 20 कॉलेजेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे कॉलेजेस, ठीक है। अगर BCA ओपन यूनिवर्सिटी से किया है एंड इन थाने डिस्ट्रिक्ट, तो मेरा होम यूनिवर्सिटी मुंबई होगा क्या? भाई इसके ऊपर मैंने उस दिन भी बोलता, मुझे डाउट है और वो डाउट क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो ठीक है, मैं आपको ये बोलूँगा कि जो CET की सेल की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा। मुझे फिर 95.5% PCB ओपन कॉलेज मिल सकते हैं? अरे भाई बिल्कुल भाई, मिल जाएगा, ठीक है। PCB के देखो, पहले तो PCB का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो जाता है फार्मेसी का, ठीक है, आप देख सकते हो 99, 99, 99, 90s, 90s में कितने सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो टॉप के कॉलेजेस, और अकॉर्डिंगली कैटेगरी होगी तो और परसेंटेज कम होगा। इस बार हो सकता है 3 राउंड रहे तो और कम होगा, तो हाई कट ऑफ से लेके तो थोड़ा लो तक जाओ, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा भाई, ठीक है। फिर है, हेलो सर, मेरा 90.77% है ओपन कैटेगरी MBA के लिए, टॉप कॉलेज मिलेगा? देखो भाई, टॉप तो नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि टॉप कॉलेजेस के जो भी रैंक है वो 99 के ऊपर है, ठीक है। टॉप 5 भी अगर आप देखोगे तो 99 के आसपास है, ठीक है, तो आपको थोड़ा नीचे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर रिपीट करना पड़ेगा। आपके परसेंटाइल के आसपास वाले कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। फिर है 98 पर MCA EWS टॉप 3 मिलेगा? हाँ भाई, मिल जाएगा, मिल सकता है, चांसेस तो है। नेक्स्ट स्टेप क्या है MCA काउंसिलिंग के लिए? देखो, अभी मैंने आपको
पूरा जो वीडियो है वो बनाया है कि कैसे प्रोसेस रहेगी आप देख लो, उसमें सारी जो चीज़ें वो मैंने बताई है कि अब क्या होगा, बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो देख लो पता चल जाएगा। ठीक है, आपके लिए तो वीडियो बनाता हूँ भाई मैं, ठीक है। और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया होगा गाइस, लाइक ज़रूर से कर लेना, ठीक है, ताकि लगे यार कि नहीं अच्छी लग रही है स्ट्रीम। कैन आई गेट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर CS? मुश्किल है 85 पे, क्योंकि कट ऑफ आया जाता है, आपको कट ऑफ चेक करना होगा। तो देखो यार, मैंने जो कट ऑफ है वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डाल के रखे, वो मतलब आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, बट नागपुर के सारे कट ऑफ एक साथ देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है, वहाँ पे पुणे के मिल जाएंगे, ये सारे कट ऑफ मिल जाएंगे, तो जिन्होंने चेक नहीं किया वो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं कैसे चेक करना वो भी आपको बता देता हूँ, इंस्टाग्राम के आईडी पे आना है, यहाँ पे आने के बाद प्रोफाइल पे जाना है, ठीक है, प्रोफाइल लोड होने में टाइम लगता है, फिर यहाँ पे क्लिक करना लिंक ट्री पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर देखो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे डाले हैं, प्रीवियस ईयर भी है, 21-22 इंजीनियरिंग नागपुर पुणे और मुंबई का है, तो यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम देखने को मिलेगा, जो एक्चुअल कट ऑफ लिस्ट होती है उसमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो भी कॉलेज का चेक करना है, जैसे रामदेव बाबा, मेनली ट्राई करना यूज़ करो इसको मोबाइल में, ठीक है, जैसे मुझे रामदेव बाबा का देखना है, कैपरन वन पे क्लिक करूँगा तो उसका कट ऑफ जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा सिस्टम है, इससे आपको इजीली कट ऑफ जो है वो पता चल जाएंगे, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो यूज़ करो भाई इसको, ठीक है, फ्री में मिल रहा है, पिछले बार हमने इसको पेड दिया था, ठीक है, इस बार हमने फ्री कर दिया, ठीक है, तो जिनको चाहिए होगा वो जाके ले लो, और ये लिंक मैं इंस्टाग्राम की भी दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्या हैंडल है हमारा इंस्टाग्राम का, ठीक है, तो जाके देख लो भाई। और फिर है सर, मुंबई और पुणे के सारे MCA कॉलेजेस के लिए अच्छा है क्या? सारे नहीं बोल सकते, बट जो भी टॉप 20-30-40 में आ रहे हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि वो मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस ही, और वहाँ पे जो प्लेसमेंट्स वगैरह वो अच्छे हैं। MCA CET कैपराउंड कब शुरू? देखो डेट तो ऐसी कुछ आई नहीं है, बट कुछ दिनों में या फिर एक दो दिन में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो पोर्टल है वो रेडी है, ये पोर्टल भी अब रेडी हो चुका है, ठीक है। सर एक मिनट, MCA गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट दिखाओ प्लीज। दिखाते हैं भैया आपको, सब दिखाते हैं, ठीक है, और ये लिस्ट चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए, बहुत सारे लोगों ने लिए, ठीक है, थैंक यू फॉर दैट, ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं था बट सब काफ़ी लोगों को पसंद आई, और काफ़ी लोगों का ये भी दम बोलना है कि काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इससे आप टारगेट कर सकते हो डायरेक्ट कॉलेजेस की, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है या फिर कौन सा मिल सकता है। 95.44 ओपन कैट में SPIT मिलेगा क्या? डिपेंड करता है इस बार कट ऑफ कितना जाएगा भाई। नागपुर में MCA के लिए गवर्नमेंट कॉलेज कौन से है? गवर्नमेंट देखना पड़ेगा भाई वो लिस्ट में, ठीक है, वो लिस्ट में आप डाल सकते हो नागपुर के कॉलेजेस, उसमें गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई होंगे। MBA का देखना है क्या भाई? ठीक है, MBA का देख लो, ठीक है। 89 OMS, एनी गुड कॉलेज फॉर MCA? काफ़ी कॉलेजेस है यार, ठीक है, लिस्ट मैंने आपको दी है। फिर है, आई गॉट 86% कैन आई गेट CS इन YCC? मुश्किल है, डिपेंड करेगा कौन सी कैटेगरी है, कट ऑफ आए जाएंगी इस बार, क्या पता 90 के ऊपर जाए, नहीं जाते ही है, उसके आसपास हो सकते हैं इस बार, ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं डिटेल में कट ऑफ बताऊँ। इंजीनियरिंग का देखो भाई, जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह देखना है उनके लिए मैंने लिस्ट बना के रखी है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, और जिनके आगे A है वो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, ठीक है। नागपुर के कॉलेजेस की लिस्ट भी मैंने बना के रखी है, ये नागपुर के कॉलेजेस की लिस्ट है, आई थिंक मुंबई के कॉलेजेस की भी लिस्ट है, ये कुछ मुंबई के बेस्ट कॉलेजेस है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, मतलब वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। फिर है, लास्ट टाइम कट ऑफ दिखाओ ना SPIT का, ठाकुर का, देखो तुम मुझे ये भेजो उन कॉलेजेस का इंस्टीट्यूट कोड, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, 955 समथिंग आसपास, ठीक है, KG सोमिया, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट, ये कट ऑफ आया जाता है भाई, CSIT के कट ऑफ है ये, बाकी कैटेगरीज के कट ऑफ कम जाएंगे, CSIT का हाई जाएगा इस बार भी। प्लीज़ सजेस्ट मी समथिंग, आई वांट टू डू इंजीनियरिंग बट आई हैव चूज CET PCB। वाह भाई वाह, क्या ही सजेस्ट करें भाई, एक तो रिपीट कर सकते हो या फिर PCB में एडमिशन ले सकते हो या फिर एग्रीकल्चर वगैरह देख सकते हो, मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा भाई, आप
थोड़ा देखो उसका जिस दिमाग से आपने पीसीबी लिया उससे भाई एससी एंड एसटी एमबीए के कट ऑफ क्या हो सकते हैं। भाई देखो मैंने आपको एमबीए का जो कट ऑफ है जब मैं आपको गूगल फॉर्म भेजता हूँ, ठीक है, गूगल फॉर्म पे जब आप मैं मेल भेजता हूँ तो मेल में मैं आपको ये लिस्ट जो है वो तो भेजता हूँ, साथ ही में जो कट ऑफ के दो PDF है कैपराउंड वन कैपराउंड टू वो भी भेजता हूँ। तो उन कट ऑफ लिस्ट में जो भी कॉलेज आपको डिटेल में कट ऑफ देखना है बस ये जो इंस्टीट्यूट कोड है Ctrl+F दबा के ये इंस्टीट्यूट कोड डाल देना, आपको उस कॉलेज का डिटेल में कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे आप चेक कर सकते हो NTA SC OBC सभी का, ठीक है। और ये जो कट ऑफ है वो ओपन के है तो ज़्यादा हाई है और वो भी कैपराउंड वन के, इसलिए हाई है, कैपराउंड टू में और कम होंगे और कैटेगरीज में और भी कम होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द मैक्सिमम कट ऑफ दैट कैन गो। सर एक मिनट, एमसी की गवर्नमेंट लिस्ट नहीं है भाई, ठीक है, वो इंजीनियरिंग की है। कैन आई गेट कंप्यूटर साइंस रामदेव बाबा 96? या भाई देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है मैं लिस्ट भी देख लेता हूँ एक बार कितना गया था। हाँ भाई 97 तो फर्स्ट राउंड का था, मिल सकता है भाई। MET मुंबई वर्सेज रामदेव बाबा, देखो डिपेंड करता है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो फिलहाल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर ये। अगर मैं नागपुर में होता तो मैं रामदेव बाबा के लिए ही जाता, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा कॉलेज है MCA के लिए भी। 71% NTD पे कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा मैं MBA के लिए? देखो NT का मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है कि NT के जो कट ऑफ्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोट होते हैं, जैसे OBC SC के बीच में 1-2-3-4% का डिफरेंस होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस में NT बहुत नीचे जाता है, ऐसा होता है। तो आप देखो थोड़ा कट ऑफ डिटेल में चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा, आपके जितने परसेंटाइल है उसके 10% ऊपर वाले कॉलेज से स्टार्ट करके देखो, समझ में आ जाएगा। MBA रजिस्ट्रेशन कब चालू होगा? भाई जब भी हो जाएगा मैं वीडियो बना के बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो, वो मेरे पे छोड़ दो। जब भी अपडेट आएगा वो मैं आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट जो है वो दूंगा, जैसे अभी बस अपडेट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो MBA का भी ऑप्शन आ चुका है, क्लिक करूंगा तो ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा, टेंशन मत लो। वालचंद इलेक्ट्रॉनिक्स और RCOEM CSE, मैं रामदेव बाबा CSE लूँगा अगर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है तो, ठीक है, क्योंकि मेरे को देखो अगर मेरी प्रेफरेंस ब्रांच है CSE, मुझे CSE में करना है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स लूँ, सीधी सी बात। ठीक है, अगर आप ये देख रहे हो कि वालचंद के कट जो प्लेसमेंट है वो ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू रामदेव बाबा, और इसीलिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स आपने लेना चाहिए। बट अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको रामदेव बाबा में CSE भी मिल रहा है, तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप वालचंद में जाओ। ठीक है, इसमें देखो यार मैं यही बोलूँगा कि स्टार्टिंग में ही आप ये मत देखो कि कितना प्लेसमेंट जा रहा है, ठीक है, उसको बोल सकते कि 10 चीज़ें हैं एक कॉलेज की, 10 चीज़ों में एक है प्लेसमेंट भी, बट बाकी 9 चीज़ों को भी देखो कि कैंपस कैसा है, कहाँ पर लोकेशन है, क्या आपको उस ब्रांच में इंटरेस्ट है नहीं है, ये सारी चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है जितनी ज़रूरी प्लेसमेंट है। ठीक है, प्लेसमेंट आपका 3-4 साल बाद होगा, ठीक है, ऐसा है, और जो एडमिशन होगा इसी साल होने वाला है, तो इस साल के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर अच्छा कर लोगे 3-4 साल प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा, इतना पक्का है। MCA के अप्रूव से स्टार्ट नहीं भाई अभी तक होने का है, होगा तो मैं बता दूंगा ना भाई, टेंशन मत लो, सब्सक्राइब किया है तो इससे आपको फ़ायदा होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। सर कॉलेज फीस डिमांड ड्राफ्ट से पे करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट जाके भी कर सकते हो, कुछ कुछ कॉलेजेस होते हैं जो DD मांगते हैं, जब क्या कॉलेज अलाउट हो जाएगा या फिर कॉलेज लग जाएगा तो कॉलेज में डायरेक्ट फ़ोन कर लो, या फिर अगर आसपास है कॉलेज तो जाके पूछ लो, सिंपल। MBA MIT WP कैनरा कैप राउंड से एडमिशन ले सकते हैं क्या? MIT WP इसका डिटेल्स देखना पड़ेगा। फिर है भाई बड़े बड़े कमेंट्स है, सर नॉट लाइक व्हाट आर यू थिंकिंग, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट फ्रॉम 2 ईयर्स, ओके, बट आई डू नॉट गेट सिलेक्टेड एंड आई गेव CET, बट आई डोंट वॉन्ट टू डू फार्मेसी एंड ऑल दैट, इट सीम्स इंजीनियरिंग इज़ गुड। भाई फिर तो बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक, मेरी ऐसी और एक फ्रेंड थी जिसने नीट किया था, 2 या 3 साल उसने ड्रॉप लिया था, फिर बट वो CET नहीं देती थी, उसने CET दी, उसको अच्छा परसेंटेज मिला, उसको ICT मिला, ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, जो कि फार्मेसी के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, तो देखो अगर फार्मेसी में बहुत बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, बट यार मेन है इंटरेस्ट का, ठीक है, आपने नीट किया है तो नीट किसी वजह से किया होगा, वो वजह आप एक बार और सोचो, ठीक है, क्यों किया था वो देखो, अगर आपको वो फील्ड में इंटरेस्ट है तो फिर आप फार्मेसी के लिए जा सकते हो, अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर आप दूसरी फील्ड जो है वो एक्सप्लोर ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा,
क्योंकि अगर अपने नीट में 2 बार ड्रॉप लेके अगर आपने जितना भी ड्रॉप लिया होगा तो मतलब अंदर से कुछ होगा कि नहीं यार मेरे को इसी फील्ड में जाना है, इसीलिए किया होगा। तो देखो अगर इंजीनियरिंग करोगे तो आप उस फील्ड से एकदम बाहर निकल जाओगे। सर इंस्टा मैसेज देखो ना किया है, भाई देखो बहुत सारे मैसेज है, मैं ट्राई करता हूँ सारे मैसेज को रिप्लाई दे दूँ, ठीक है? अभी स्ट्रीम खत्म होगी तो देखूँगा, ठीक है? 97.6% MCA VGTI मिलने के चांसेस है क्या? एंड BBP नवी मुंबई MCA। देखो VGTI मिलने के हो सकते हैं चांसेस अगर आपकी कोई कैटेगरी या फिर ऐसा कुछ हो, ठीक है? और विवेकानंद से ये भी कॉलेज ठीक अच्छा है, ठीक है? बट आपको टॉप कॉलेजेस में से कोई कॉलेजेस मिल सकती है, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये कैप राउंड 1 के कट ऑफ से 2 में कम होंगे और कैटेगरी वाइज और भी कम होंगे, ठीक है? और इस बार अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया, ज़्यादा 99 वाले नहीं रहे, तो कट ऑफ और कम हो जाएगा, ठीक है? भैया अगर MBA कॉलेज पुणे के हो जैसे DY पाटिल, तो उनका वेटेज मुंबई के कॉलेज से कम होता है क्या? देखो MBA के लिए मुझे लगता है कि मुंबई के कॉलेज थोड़े ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि मुंबई में MBA का हब है ऐसा आपको देखने को मिला, बहुत सारे MBA कॉलेजेस हैं। बट देखो ऐसा हम स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ कॉलेजेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि ना ही ले तो बढ़िया है, ठीक है? तो हम एकदम कन्फर्म नहीं बोल सकते कि ऐसा ही है, बट हाँ कुछ लेवल पे बोल सकते हो, बट 100% ये सच नहीं है। 88.8 में MCA कौन सा कॉलेज? भाई मैंने इतनी लिस्ट बनाई है इतनी मेहनत करके एक एक कॉलेज का नाम डाल के, तो समझ जाएगा उससे आपको। वेन MBA कैपराउंड विल स्टार्ट? जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, बस आने दो अपडेट, मैं आपको अपडेट दे दूंगा, टेंशन मत लो भाई, ठीक है? यश भाई ने पूछा है सर स्पेशलाइजेशन वालों को CAC प्लेसमेंट में बैठने मिलता है क्या? देखो अभी तक जो AIDS वगैरह जो भी है अभी तक तो उनके प्लेसमेंट ऐसा कुछ आया नहीं है, ठीक है? तो मुझे तो लगता है कि बैठने मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सिलेबस वगैरह वो भी सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है तो बैठने देंगे। आई गॉट 63.80 वैल्यू, सजेस्ट मी बेस्ट। भाई मेरे को पहले तो एक बात बताओ, 63 पे बेस्ट तो नहीं मिलेगा, ठीक है? एवरेज के आसपास मिलेगा, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, नाइस प्लेसमेंट में अभी तो मेनली प्लेसमेंट IT कंपनी जो CSIT से रिलेटेड ब्रांचेस है उसमें हो रही है, तो उसमें ऐसे आप कॉलेजेस ढूंढ सकते हो कि कहाँ कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये ब्रांचेस आपको मिल सकती है, ठीक है? MCA के कितने राउंड होंगे? 2 या 3? इस बार लग रहा है कि 3 राउंड हो गए, बट कन्फर्मेशन नहीं है अभी तक, तो जैसे ही कन्फर्म होता है टाइम पर अपडेट मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो मेरा एडमिशन नहीं होगा क्या? एडमिशन हो जाएगा, ओपन कैटेगरी से होगा, ठीक है? अगर डोमिसाइल होगी तो फिर कैटेगरी से होगा, उसके साथ कैटेगरी जो भी होगी कास्ट वैलिडिटी वगैरह रहेगी, बट डोमिसाइल लगता है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कुछ थोड़ा टाइम और रुक जाओ, ठीक है? हो जाएगा, मैं दे दूंगा अपडेट। प्रियदर्शनी इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर कैसा है? ठीक है, जिनको अगर थोड़ा कम परसेंटेज मिले हैं तो उनके लिए अच्छा हो सकता है। रजिस्ट्रेशन कब हो जाएगा भाई? बेस्ट भाई हो जाएगा। 99.14 में मुंबई SP8 मिलेगा क्या? मिल सकते, लेट्स सी इस बार कैसे कट ऑफ होता है, मिल चांसेस तो है। विद्यावान सरदार पटेल कौन से कोर्स के लिए भी बताते जाओ। पुणे में 20 BA स्कूल सजेस्ट करो ना, प्राइवेट MBA काफ़ी, बट जो भी अच्छे हैं वो मतलब थोड़े गवर्नमेंट इसमें जाते हैं। पुम्बा वन ऑफ द बेस्ट है भाई, COEP है, ठीक है? फिर ये है इंदिरा है, बहुत सारे 60% पे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे निकाले? कट ऑफ चेक करके भाई, भारतीय विद्यापीठ अच्छा है। हाँ भाई बिल अच्छा है, मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज बताओ 60 आया BPharm एंड DPharm के लिए। इसके लिए आपको कट ऑफ चेक करना पड़ेगा फार्मेसी के, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस के फार्मेसी के कट ऑफ इतने कम जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कॉलेजेस के भी कट ऑफ जो है 80 के ऊपर जाते हैं, ठीक है? तो आप ढूंढ सकते हो उस लिस्ट में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही होगी, ले सकते हो ये लिस्ट। फिर सर कैपराउंड प्रोसेस के भाई, जब कैपराउंड प्रोसेस शुरू होगी तब वीडियो आएंगे, ठीक है? अगर शुरू ही होने के पहले कैसे आएंगे भाई, आ जाएंगे, टेंशन मत लो। GHR डेटा साइंस PC इन IT डेटा साइंस। 89 MBA OBC स्टूडेंट वाडिया मिल सकता है क्या? देखना पड़ेगा भाई उसका कट ऑफ। ट्राई कर सकते हो, मे भी मिल जाए, क्योंकि कट ऑफ तो आसपास ही है।
और OBC है तो और कम होगा ये, और ये कैपराउंड 1 के ओपन के है, तो OBC के कैपराउंड 2 और 3 के हो सकता है कम जाए इस साल, ट्राई करो भाई, और उसके ऊपर के भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने में क्या जा रहा है, 80.5 SC कौन सा कॉलेज मिलेगा, MBN, यार काफ़ी सारे कॉलेजेस है। ठीक है, मैं आपको लिस्ट इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि मुझे रेफरेंस मिले कि कौन सा कॉलेज है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हो 80s में कितने सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, आपको कौन सा कॉलेज अच्छा लगता है, प्लेसमेंट जहाँ पे अच्छे होंगे उनको आप डिसाइड करो, वैसे आप रेफरेंस लिस्ट बनाओ। डी फार्म कैपराउंड वो भी शुरू हो, सभी ऑलमोस्ट सभी साथ ही में शुरू हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स आर नॉट रिलीज येट, जैसे रिलीज होता है फटाक से अपडेट हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। और गाइस जिन्होंने भी स्ट्रीम को लाइक नहीं किया होगा भाई, एक लाइक तो बनता है, ठीक है, मैं आई एम ट्राइंग टू डू स्ट्रीम्स डेली, ताकि जिनको सब मतलब थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर मिल जाती है मेरे तरफ से तो बहुत बढ़िया होगा। फार्मेसी कॉलेजेस लिस्ट, हाँ भाई 20, जिन्होंने भी लिस्ट के लिए अप्लाई किया होगा भाई, आपको जो लिस्ट है वो आपके ईमेल पे मिल जाएगी, और जैसे स्ट्रीम ख़त्म हो जाएगी उसके 1-2 घंटे में मिल जाएगी। ट्राई करना कि जब आप चेक करोगे ईमेल पे तो स्पैम फोल्डर भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है, अगर आपको नहीं मिली होगी वेट करने के बाद भी तो इंस्टाग्राम पर DM करना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 64 PCMSC मॉडर्न कॉलेज मिलेगा, मुश्किल है भाई। 92.13 OMS कैटेगरी कौन सा कॉलेज मिल सकता है, देखो OMS के कट ऑफ्स थोड़े हाई जाएंगे और सीट्स कम होती है पहली बात, तो अगर सपोज चार स्टूडेंट्स हैं 95 95 95 वाले, उन्होंने अप्लाई किया तो सीट खत्म हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, तो कितना कोटा है उस कॉलेज में वो देखो, उसके अकॉर्डिंग आप कट ऑफ्स डालो, कॉलेज डालो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और कैसे चेक कर सकते हो आप ये कि कौन से कॉलेज में कितना सीट रिजर्वेशन है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक PDF था भाई, सीट रिजर्वेशन वाला PDF, ठीक है, तो ये सीट रिजर्वेशन वाला PDF देख सकते हो, इसमें समझ में आएगा कि कितना AI वाला कोटा है, जो ऑल इंडिया सीट्स होता है, ठीक है, तो इसमें दिया है, जैसे कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। ये PDF जो है वो मैं मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल देता हूँ, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है, और भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे तो CET अपडेट्स वाले टेलीग्राम के ग्रुप पे जो है वो मैं डाल दूंगा, ठीक है, अब ये डाल देता हूँ, लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ, ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, इधर कुछ नहीं, फ्री में ज्वाइन हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। CET कहाँ गया अपना, CET अपडेट्स ये रहा, ठीक है, तो हम डाल देते हैं ये भाई, ऐसे बस फालतू मैसेज मत करना, ठीक है, जैसे ये कि मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ऐसे मैसेज मत करना, ठीक है। कहाँ गया हमारा DSE सीट रिजर्वेशन, ये रहा, ठीक है, सीट रिजर्वेशन। अतर भाई थैंक यू फॉर सुपर चैट, 93.56 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन पुणे दिखाओ, 93.56 पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन पुणे दिखाओ प्लीज। देखो मैंने जो पुणे की लिस्ट बनाई है कहाँ गई, पुणे की लिस्ट ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, MBA कहाँ गई भाई, एक मिनट, ठीक है, मुंबई मुंबई DSE और है क्या उधर, अमरावती, ठीक है, देख लेट मी चेक वंस, बट उस लिस्ट में नहीं होगा मतलब 93 के आसपास, क्योंकि वो 99 के आसपास वाले कॉलेजेस है, तब भी एक बार चेक करने दो। अमरावती, पुणे 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 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन पुणे, MBA कट ऑफ MCA, इसमें तो नहीं है भाई, ठीक है। देखो पुणे में काफ़ी सारे कॉलेजेस है, टॉप 10 के कॉलेजेस की तो भी लिस्ट थी, एक मिनट, ठीक है, छोटा टू, एक मिनट, ठीक है, देखता हूँ बताता हूँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है, क्या नाम था भाई आपका, अथर्व, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अभी यहाँ पे सर्च करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस है स्पेशली पुणे में, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम आईडी मैं देता हूँ, ठीक है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, कुछ कॉलेजेस बताऊँगा, ठीक है, डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, कॉलेजेस के नाम बता पाऊँगा, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा इन MCA, हाँ भाई सब में कोटा रहता है, ठीक है, वापस जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो इफ़ यू वांट टू अप्लाई फ्रॉम कोटा तो वहाँ पे ऐसा ऑप्शन आता है अप्लाई फ्रॉम कोटा वगैरह वगैरह, ठीक है।
तो ये है गाइस, ठीक है, ये है सीईटी वाली, तो ये ज्वाइन ना करने तो ज्वाइन कर सकते हो, नो कंपल्शन बट यू कैन ज्वाइन। पार्टिसिपेंट स्टॉप चैट, चैट ही लोड नहीं हो रही है इधर, तो आ गई। ठीक है, तो ये है भाई अपनी, ये टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। रिजर्वेशन वाला डाल दिया है मैंने, और जितने भी पीडीएफ आएंगे वो सब इधर डाल दूंगा मैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक्स, पीडीएफ सब कुछ, जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हो। 76 अच्छा परसेंटाइल है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर, नो नहीं है। देखो रियलिटी है, फार्मेसी के जो कट ऑफ है वो बहुत आए जाते हैं, आप देख सकते हो, बेसिक से बेसिक कॉलेज का भी जो कट ऑफ है बहुत आए जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्रांच एक ही होती है फार्मेसी, और नंबर ऑफ सीट्स भी कम होती है, ठीक है। अब देखो यार, 90 90 परसेंटाइल यहाँ पे 79 तक जा रहा है, ठीक है, मतलब मजाक हो रहा है, बाकी तो आप देख ही सकते हो और कितने हैं, तो थोड़ा 8 9 80s के ऊपर अगर मिल सही है, बट तब भी कॉलेज मिल जाएगा, इतना पक्का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फार्मेसी में कॉलेज ही नहीं मिलता है क्योंकि कट ऑफ आ जाता है भाई। मैनेजमेंट कोटा कॉलेज बताओ, जो भी प्राइवेट कॉलेज है भाई वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा रहता है, ठीक है, आई थिंक उसका होगा वहाँ पे मेंशन है क्या भाई, इंस्टीट्यूट सीट्स, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स रहती है, ठीक है, वो तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का तो मेंशन नहीं है। हाँ 15% कैंडिडेट्स, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो मैनेजमेंट सीट्स है वो आपको कॉलेज के वेबसाइट्स पे मिल जाएगी, डायरेक्ट फ़ोन करो भाई कॉलेज में, कॉलेज पैसे के पीछे भागता है, फ़ोन करोगे तो आप वो आपके पीछे भागेंगे, ठीक है। तो यूज़ योर ब्रेन एंड गेट ऑल द अपडेट्स फ्रॉम कॉलेजेस डायरेक्टली टू यू ऑन योर मोबाइल फ़ोन, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि माइनॉरिटी सीट्स मतलब ऑल इंडिया सीट्स होती है, इंस्टीट्यूट सीट्स काफ़ी होती है कुछ कुछ कॉलेजेस में, बट पैसा ओपन का लेते हैं भाई। फिर 90% फार्मेसी मिल सकता है अच्छा कॉलेज, ठीक है, अब कौन सा वो ढूंढना पड़ेगा इस पूरी लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है, ठीक है, 90 के आसपास आप देख सकते हो, काफ़ी मुंबई के ये हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, देख लो इसमें, लिंक लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड डेट, देर इज़ नो सच एक्सपेक्टेड डेट फ्रॉम माई साइड, बिकॉज इट कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑल्सो, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑल्सो, और इट मे टेक 5 to 10 days ऑल्सो, ठीक है, सो ऐसा है, तो कल परसों भी हो सकती है, फिर टाइम मिला। एक्सेल शीट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको कुछ देर में जैसे स्ट्रीम होगी ख़त्म मिल जाएगी, ईमेल या फिर स्पैम फोल्डर में चेक करना। टॉप एमबीए कॉलेज इन नागपुर, रामदेव बाबा है भाई, ठीक है। एमसीसी मॉडर्न इंदिरा कहाँ से एमसीए बेस्ट रहेगा, मॉडर्न इंदिरा, देखो अगर आपको स्पेसिफिक जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ये सही है, ठीक है, जैसे आपने पूछा मॉडर्न आ गया, मॉडर्न इंदिरा, ये रहा हमारा मॉडर्न कहाँ गया भाई, ये रहा IMCCC, फिर मॉडर्न कहाँ गया, ठीक है, तो जैसे सपोज ये है, तो इसका इंस्टीट्यूट कोड करके आप ये मतलब कौन सा बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा कि उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके उनके प्रीवियस जो प्लेसमेंट्स है वो चेक करो, साथ ही में जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी ज़रूर एक बार चेक करना, क्योंकि हो सकता है फ़ीस ज़्यादा हो। वैसे तीनों कॉलेजेस आपको अच्छा पैकेज दे सकते हैं, बट वही कि एक बार चेक कर लो आपको और अच्छा आइडिया आएगा। ये वाला कॉलेज भी अच्छा है पुणे का, ठीक है, ऑलमोस्ट तीनों कॉलेजेस अच्छे ही है, बस वही प्लेसमेंट चेक करो और वहाँ का क्या बोलते हैं उसे, फीस स्ट्रक्चर चेक करो, यू विल गेट एन एग्जैक्ट आइडिया। AI वर्सेज DS वर्सेज IT, देखो अगर मेरे को स्पेशलाइजेशन पसंद है, मुझे AI डेटा साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं AI जाऊँगा, IT में भी मैं जा सकता हूँ, अगर मुझे पूछोगे तो मैं AI में जाता, ठीक है, IT में भी जा सकते हो, बट देखो अगर मेरे पास चार ऑप्शन है, CS, IT, डेटा साइंस और AI, तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड गो टू CS, ठीक है, क्योंकि CS में जाओगे तो सब सब्जेक्ट सब मिलने सीखने मिलेंगे। अभी मैं फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग में हूँ कंप्यूटर साइंस में, पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर, थर्ड ईयर में AI सब्जेक्ट था, फोर्थ ईयर में ML सब्जेक्ट है, ठीक है, वैसे भी मैं CS में वही सीखूंगा, हाँ बस AI में और DS में लोगे तो स्पेशलाइजेशन में आपकी डिग्री हो जाएगी, जिसका बेनिफिट हो सकता है कि आपको प्लेसमेंट में कुछ स्पेसिफिक कंपनीज में मिले, जो कि डेटा एनालिटिक्स या फिर AI वाले जो पोस्ट के लिए जो है वो ढूंढ रहे हो, ठीक है, बट CS मिलता है तो मैक्सिमम बेनिफिट होगा आपका।
बाकी आईटी भी ले सकते हो सर। एमसीए की रैंक लिस्ट नहीं आएगी क्या इस बार? आएगी ना भाई, जैसे ही कैपरन प्रोसेस मतलब जो एडमिशन प्रोसेस है शुरू होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद लिस्ट आएगी। मैंने बताया है भाई, वीडियो भी बनाया है डिटेल में, तो देख लो। दे आर आस्किंग फॉर मनी इन दैट लिंक। हाँ भाई, वो फ्री नहीं है, जो जो फ्री था वो मैंने दे दिया, ठीक है, जितना होता था, क्योंकि उस लिस्ट को बनाने में मेरे को काफ़ी पापड़ पेलने पड़े थे, दैट्स वाई। ठीक है, सी एस के बाद आईटी अच्छी ब्रांच है या इलेक्ट्रॉनिक्स? इसके बाद आईटी, आई विल गो विथ आईटी, देन आई विल गो विथ ENTC मे बी। 91% बी फार्म सर, मिल सकता है अच्छा कॉलेज आपको। ठीक है, नागपुर में केडी के कॉलेज बताओ, नागपुर में कोई कॉलेज बताओ 81 पे, वो देख लेना भाई, वो उतना नीचे। ज़्यादा पैकेज तो नहीं मिलेगा, इतना पक्का रहेगा भाई। ठीक है, जैसे ये है एक प्रियदर्शनी, बट ठीक ठाक, इतने अच्छे नहीं रहेंगे फिर। ठीक है, रायसोनी प्रियदर्शनी भाई, देर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन दोज कॉलेज। अगर रायसोनी मेन वाला कॉलेज देख रहे हो, जीएस रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वो वे बेटर है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है। एमसीए के लिए रामदेव बाबा अच्छा है, अरे बिल्कुल ले लो अगर नागपुर से हो तो। 92% आया है, कौन सा ब्रांच लो, आपको किस में इंटरेस्ट है? अगर ऐसा ही है कि इंटरेस्ट नहीं है, कुछ पता ही नहीं है और बस ये चाहिए कि प्लेसमेंट चाहिए, फिलहाल तो CSIT में अच्छे खासे प्लेसमेंट हो रहे हैं। YCC में कौन सी ब्रांच मिलेगी 74 पे? बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे कैटेगरी वाइज काफ़ी चेंजेस है, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेस है वहाँ पे। 94.84 पिंपरी चिंचवड़ पुणे में, मिल सकता है क्या OMS कैटेगरी MCA? यू कैन ट्राई, मे बी यू मे गेट, क्योंकि कट ऑफ उसके आसपास ही है, आप देख सकते हो। पिंपरी 94.34 ओपन, मिल सकता है भाई, ट्राई करना। अगर वहाँ पे ज़्यादा OMS वाले अप्लाई नहीं करेंगे तो मिल जाएंगे। आई गॉट 68, यू विल सजेस्ट मी बेस्ट कॉलेज इन पुणे हैविंग नाइस प्लेसमेंट फॉर MBA एंड आई हैव कम्प्लीटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन गुड मार्केटिंग ऑफिस को। 63.80 पे बहुत बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा, विथ नाइस प्लेसमेंट तो पक्का नहीं मिलेगा, ठीक है, फैक्ट है, आप चेक कर सकते हो प्लेसमेंट्स। ठीक है, एवरेज कॉलेज मिलेगा जहाँ पे जितना इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट होता है उतना ही वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी लिस्ट में नाम देख सकते हो। अगर MBA में बहुत बढ़िया प्लेसमेंट चाहिए तो टॉप कॉलेजेस लो, ठीक है, तभी अच्छा को उतना अच्छा मिलेगा जितना अच्छा आप सोच रहे हो। ठीक है, और टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना मीन्स 99 नहीं, मतलब टॉप के 5 में लेना है तो, ठीक है, बाकी भी तो 97-95। ठीक है, माइनॉरिटी कॉलेज चाहिए तो कैसे भरने का फॉर्म? हाँ वो मिल जाएगा, जब मैं फॉर्म भरूंगा तो वहाँ पे माइनॉरिटी का एक ऑप्शन रहता है चेकबॉक्स, उस पर क्लिक करना तो माइनॉरिटी से अप्लाई कर पाओगे। वुड यू शेयर दिस PDF? कौन सा PDF? पुम्बा 99.3 ऑल इंडिया, यू कैन ट्राई। 83 MCA रामदेव बाबा पॉसिबल? कितना MCA? कौन कैटेगरी? माइनॉरिटी होगा तो ही, बाकी तो सब ओपन में जाएंगे, मुश्किल है भाई, ट्राई कर सकते हो। मैनेजमेंट कोटा होता है क्या? हाँ भाई होता है, प्राइवेट में होता है। 84 मिले नागपुर में, CS मिलेगा क्या? मिल जाएगा। 86 MBA बताओ, लिस्ट आपके सामने है भाई। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो गवर्नमेंट का सोच रहे हैं, गवर्नमेंट की लिस्ट मैंने आपको दी है, ठीक है, और ये लिस्ट अगर चाहिए होगी तो मैं उधर डाल दूंगा, बता देना CET वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे लिंक्स मैंने दे दिए। 70% अच्छा कॉलेज मिलेगा क्या नागपुर में? डिपेंड करता है कौन सी ब्रांच आप चूज़ करते हो उस पर सर। थानिया पॉलिटेक्निक कॉलेज लिस्ट वो नहीं बनाई भाई मैंने, मुंबई पुणे की बनाई थी। MBA एडमिशन की लास्ट डेट क्या है? अभी तो डेट्स आने की है, आएगी तो बताऊंगा। कैटेगरी के कट ऑफ्स कैसे देखें? MCA प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के देखना है। एक तो वो आप एक्सेल शीट लोगे तो उसके साथ मैं दे दूंगा, या फिर अगर आपको खुद जाके देखना है तो आप क्या कर सकते हो, देखो 2-3 दिन रुक जाओ,
फिर यहीं पे जो है वो सारी जो है चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है ये, जब जैसी पोर्टल अपडेट हो जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे इंजीनियरिंग के पोर्टल अपडेट्स हो गए तो यहाँ पे 1920 उसके पहले के सभी के आ गए हैं, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हो। अभी MCA MBA का होने का है, हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। और जिन्होंने गूगल फॉर्म में वो जो एक्सेल शीट ली होगी उनको डायरेक्ट मेल पर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर है, और जो अप्लाई कर रहा है फॉर्म लिस्ट के लिए, एक्सेल शीट के लिए, तो लिस्ट जब स्ट्रीम ख़त्म होगी उसके बाद कुछ टाइम में मिलेगी। ट्राई करना कि ईमेल चेक करो, ठीक है। रिप्लाई करो किस पे भाई, अंबेडकर कॉलेज का में क्या प्लेसमेंट MBA के लिए? भाई जितना एक्सपेक्ट करोगे उतना नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा एवरेज सा, क्योंकि MBA करते हैं लोग इसलिए ताकि 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख के ऊपर मिले। उतना तो नहीं मिलेगा, 33% मिल सकता है क्या MCA? भाई 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 मिल तो जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। बट वो नीचे के रहेंगे भाई। अभी कॉलेज से माइग्रेशन और TC नहीं मिल ली है, क्या करें? मिल जाएगी ना कुछ देर में, टाइम है अभी भी, ठीक है। अप्लाई कर दो, दे देंगे जैसे ही होगी अवेलेबल। MCA CET 90.55, रामदेव बाबा कॉलेज। माइनॉरिटी में हो क्या? वैसे रामदेव बाबा मिल सकते हैं उतने पे, ट्राई करना। माइनॉरिटी में हो गए तो भाई आँख बंद करके मिल जाएगा। आई एम OBC, इफ़ आई हैव टू अप्लाई फॉर माइनॉरिटी सीट, इज़ NCL कंपल्सरी? मे बी, आई डोंट हैव दैट मच आइडिया अबाउट दैट। 98.35 पे कौन सा फार्मेसी? भाई परसेंटेज तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। 98, यू कैन टारगेट दिस कॉलेजेस, ठीक है, अप टू दिस और दिस। ये कैप्टन वन के है, मैं तो बोलूँगा कि यहाँ तक भी मिल जाएगा। नई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़रूरी होती है क्या? हाँ, यू विल रिक्वायर्ड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली। FC सेंटर शुरू होने दो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। MCA कट ऑफ लिस्ट शेयर करो भाई, जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा होगा उनको मिल जाएगी जैसे ही लिस्ट स्ट्रीम ख़त्म होगी, ठीक है। बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कहाँ पे? बहुत सारी जगह पे है भाई। भाई 41 MCA जैन माइनॉरिटी कौन सा कॉलेज मिल सकता है? DT के वेबसाइट पे जाओ और ढूंढो जैन माइनॉरिटी के कॉलेजेस, आपको मिल जाएंगे। मुंबई का लिस्ट नहीं है ना, पॉलीटेक्निक का है, था भाई मुंबई का था, मैंने आई थिंक बनाया था। अभी अभी पॉलीटेक्निक का मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि वो लिस्ट मैंने अंदर डाल दी है। 96.9% नॉन महाराष्ट्र प्लस OBC सर्टिफिकेट है, बट हरियाणा का है तो डिफेंस में है पेरेंट्स, तो कौन भाई? अदर देन महाराष्ट्र रहोगे तो ओपन में ही जाओगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है क्या कैपराउंड से? हाँ बिल्कुल। अरे मैंने बताया है आपको प्रोसेस के ऊपर, पूरा वीडियो बनाया, जाके देखो यार। पुणे में बेस्ट ऐसा कोई बेस्ट मतलब, देखो यार अगर कॉलेज ओवरऑल बेस्ट है तो बाकी ब्रांच भी बेस्ट रहेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉलेज नहीं है जो बस इलेक्ट्रिकल के लिए बेस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो कॉलेज अच्छा है तो ओवरऑल वहाँ पे ब्रांचेस भी अच्छी होती है। ऐसा कोई बेस्ट कॉलेज की यहाँ पे बस इलेक्ट्रिकल ही अच्छा, बाकी सारी ब्रांचेस उतनी अच्छी नहीं, ऐसा नहीं है। और वो आप देख भी नहीं सकते हो वेबसाइट्स के ऊपर, कहीं जब आप कॉलेज में जाओगे तभी पता चलेगा। MCA CET OBC कास्ट रामदेव बाबा कॉलेज, भाई मैंने बोला मिल सकता है, ठीक है। ट्राई करना बस अच्छे से दम लगा के, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ तो 90 के आसपास है, ओपन का तो सेकेंड राउंड में और कम होगा, मिल जाएगा। 92 इन MCA विच कॉलेज आर बेस्ट इन पुणे? यू हैव द होल लिस्ट, यू कैन चेक ओवर हियर, ठीक है भैया। ठीक है तो गाइस, और कुछ होगा तो बता। रोज स्ट्रीम हो रही है वैसे भी, और अभी फ़िलहाल तो यही अपडेट्स हैं। और कुछ अपडेट्स आएंगे तो वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपके स्क्रीन पे जो फार्मेसी का है वो ओपन नहीं हो रहा, आपके स्क्रीन पे जो फार्मेसी का है वो ओपन नहीं हो रहा। ओपन नहीं हो रहा मतलब
क्या नहीं हो रहा ओपन, एक बार नागपुर की लिस्ट बताओ। ठीक है भाई, देख लो तुम भी, वीडियो बनाऊंगा नागपुर के कॉलेजेस के ऊपर, टेंशन मत लो, हम हैं नागपुर से भाई, तो नागपुर के बारे में तो खतरनाक आइडिया है अपने को। माइनॉरिटी कहाँ कट ऑफ देखे, जो नॉर्मल कट ऑफ, जो को नॉर्मल कट ऑफ लिस्ट होती है ना सीईटी की वेबसाइट पे जो आती है, तो उधर सब रहता है ठीक है। एमआई मतलब माइनॉरिटी होता है ठीक है। हाँ भाई अथर्व भाई, करता हूँ मैं ठीक है, टाइम लगेगा, मैसेज का रिप्लाई करना, बट कर दूंगा ठीक है। एमबी के एडमिशन नहीं भाई, नहीं हुए है। 87% पे फार्मेसी कॉलेज मिल, हाँ मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो गाइज इस स्ट्रीम में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट स्ट्रीम में और बात करेंगे ठीक है। कॉलेज ख़त्म हुआ है और स्ट्रीम कर रहा हूँ, अभी जाता हूँ मैं हॉस्टल ठीक है। तो जैसी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो डिटेल में स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, सारी चीज़ सही से हो जाएगी। बस ट्राई करना कि पेशेंस रखो और डॉक्यूमेंट्स जमा करके रखो, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, बाय, गुड नाइट।